मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें जनपद के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की गई। इस दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल ने बताया कि जनपद मुरादाबाद के तमाम प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू हैं। सभी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से हर साल पाठ्यक्रम और ड्रेस में बदलाव करके निजी संस्थानों से उन्हें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करते हैं। री एडमिशन के नाम पर भी धन वसूली की जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग बनवाने, वाटर कूलर, पंखे, कंप्यूटर आदि लगवाने के अलावा अन्य सुविधाओं के नाम पर भी अभिभावकों का मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न किया जाता है, जिस पर जल्द से जल्द रोक लगाने की जरूरत है। अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में पब्लिक स्कूल की मनमानी के विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। पब्लिक क्या तो कि पब्लिक स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, छात्रों का शोषण कर रहे हैं, अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, बिल्डिंग फीस, हैंड फीस, स्कूल फीस, वैन फीस, बिल्डिंग मटेरियल फीस आदि फीस के नाम पर गुमराह करके बच्चों से, अभिभावकों से पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं और री एडमिशन एडमिशन के नाम पर प्रतिवर्ष पैसे लेते हैं और एक ही किताबों की दुकान से किताबों की बाध्यता करते हैं, एक ही दुकान से किताब लेने के लिए मजबूर करते हैं, ड्रेस लेने के लिए मजबूर करते हैं। इन्हीं सब मनमानी के विरोध में आज डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीख से सीख पब्लिक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई